और आइए अब देख लेते हैं बीते हफ्ते कला और सांस्कृतिक जगत में और क्या खास आयोजन रहे। चित्रकारी का महत्व इतिहास में अपनी एक अलग पहचान रखता है। चित्रकारी हमेशा ही से हमारी संस्कृति और समाज का आईना होती है, साथ ही समाज के उतार चढ़ाव का भी चित्रकारी से अंदाजा लगाया जा सकता है। या यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि चित्रकारी एक तस्वीरी जबान है जो हर दौर में बोली जाती रही है। एक ऐसी ही सुंदर चित्र प्रदर्शनी दिल्ली के अखिल भारतीय ललित कला और शिल्प सोसाइटी यानी आईफेक्स में आयोजित की गई, जिसमें चित्रकार ने जीवन के हर पहलू को दिखाने की कोशिश की है। चित्रकार डॉक्टर महेंद्र कुमार सक्सेना ने जीवन को करीब से देखा और सुंदर रंगों के माध्यम से प्रकृति, रिश्तों का ताना बाना, महिलाओं की अभिव्यक्ति और पशु प्रेम को एक अलग अंदाज से चित्रित किया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एक सुंदर तस्वीर बनाई जो दर्शकों को अपनी ओर खींच रही थी। चित्रों को जब भी हम चित्रकार की निगाह से देखते हैं तो मनुष्य की वेदना, उसका सौंदर्य और उसके जीवन को अलग अलग रंग कैसे दिए जा सकते हैं, ये चित्रकार से बेहतर कोई नहीं जान सकता। एक कवि अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से अपने दिल की बात कहता है, और अगर एक चित्रकार की बात करें तो चित्रकार अपने रंगों के माध्यम से, अपनी कूची के माध्यम से हम तक अपनी बात पहुंचाता है। लेकिन अगर एक अच्छी कविता की बात की जाए तो अच्छी कविता वही है जिसे सुनकर या पढ़कर आंखों के सामने एक तस्वीर बन जाती है, और एक अच्छी तस्वीर वही है जिसे देखकर शेर कहने को जी चाहे या फिर कविता कहने को जी चाहे। और इसीलिए किसी ने कहा है, रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए। मैं रेशमा, कैमरामैन सनी कालरा के साथ।